व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 11 इन द सीरीज ऑफ सी लैंग्वेज बेसिक्स, इन विच वी आर ट्राइंग टू कवर द बेसिक इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट एंड ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम स्क्रैच। सो गाइज, आवर फर्स्ट टॉपिक इज टूडे एक्चुअली फंक्शन। वाट इज फंक्शन एंड वाट इज इट्स वर्किंग, वेयर वी यूज फंक्शन, दीज टॉपिक्स वी आर सीइंग हेयर। ओके, सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो जैसे एक प्रोग्राम कोई अगर आपको लिखना है, एक प्रोग्राम में आपके मान लिया अप्रॉक्स 50 लाइन्स का आपका प्रोग्राम है, ठीक, 50 मान लीजिए 100 लाइन्स का, योर प्रोग्राम इज ऑफ 100 लाइन्स एंड यू हैव टू डू एडिशन, एडिशन आपको करना है, यू हैव टू डू एडिशन एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो आप कैसे करेंगे, हर बार आपको एडिशन की प्रोसेस को डिफाइन करना है, ठीक, एक बार एडिशन करना है, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर ये दो प्रोसेस आपको करनी है 10 टाइम्स सेम प्रोसेस, तो उसके लिए क्या हर बार आप सेम स्टेटमेंट लिख रहे होंगे कि ये एडिशन करो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन करो। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। वी यूज फंक्शंस टू सेव आवर टाइम फ्रॉम यूजिंग सेम प्रोसेस। ओके, सो इसको करना कैसे है, इससे पहले समझने से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है। तो लिखेंगे ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंड ब्लॉक, सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक, दैट परफॉर्म कोहरेंट टास्क ऑफ सम काइंड। तो बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली आपका जो आप प्रोसेस करना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स आपको करना है, तो हर बार आप प्रोसेस का मेथड डिफाइन करने की जगह एक बार आप मेथड को डिफाइन करेंगे और उसको मल्टीपल टाइम्स के लिए यूज कर रहे होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन का। ओके, अब देखो एक सी प्रोग्राम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले जो उसका सी, एक बेसिक सी का प्रोग्राम होता है, सबसे पहले तो उसमें एक मेन फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक, उसके बाद में अगर दूसरा आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो वो कैसे कर रहे होंगे आप, आपको मेन फंक्शन के अंदर जो नेम लिखना है, जिस नाम से आपको फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक, उसको फिर यहाँ पे कॉल करना है। और डिफाइन कहाँ पे आप करते हैं जो फंक्शन को है, वो मेन फंक्शन के बाहर आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक। अब वो कैसे होगा वो अभी अपन आगे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू वन प्रोग्राम सो दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक नॉलेज अबाउट फंक्शन। ओके, सो एक सिंपल ऑपरेशन देखते हैं कि जैसे अगर मान लिया आप मेन फंक्शन के अंदर हैं और मेन फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन को कॉल करना है, तो आप कैसे कॉल करेंगे, आप ऐसे सिंपली मैसेज लिखेंगे और ये आपका जो फंक्शन है ये एक्चुअल में अब कॉल हो चुका है। अब ये सर आप बोलेंगे कि सर ये हमने कॉल पहले कर लिया, अभी डिफाइन ही नहीं किया कि फंक्शन होता क्या है, तो अब इसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कुछ कोड होगा, उसके बाद में अब क्या करते हैं अपन मैसेज को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैसेज को डिफाइन करेंगे ऐसे कर रहे होंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, ठीक, मैसेज लिखे, मैसेज लिखने के बाद क्या करना है, इसको डिफाइन कर देना है कि ये मैसेज फंक्शन आपका कर क्या रहा होगा। ये सिंपली आपका प्रिंट कर रहा होगा, जैसे मान लिया लिख देते हैं कोड फॉर मोड, ये आपका प्रिंट कर रहा है मान लिया आपका ये फंक्शन। तो जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो वो क्या कर देगा, आपका कोड फॉर मोड को प्रिंट कर देगा और उसके बाद में यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन करना है प्रोग्राम का वो उस हिसाब से
कर रहा होगा। तो अब ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू कहाँ से होता है। तो इसमें हुआ क्या, जैसे मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, मेन फंक्शन के बाद आपने क्या किया, फंक्शन को ही डायरेक्ट कॉल किया, मैसेज फंक्शन को। तो अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मैसेज से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन हुआ होगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। ये चीज़ अपन समझेंगे कि मैसेज फंक्शन करेगा क्या। तो यहाँ पे ये आया आपका एग्जीक्यूशन और इसने देखा कि मैसेज फंक्शन के अंदर आपको कोड फॉर मोड प्रिंट करना है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा, इधर आउटपुट में कोड फॉर मोड प्रिंट कर देगा। उसके बाद जैसे अगर मान लिया लिखा होता यहीं पे इस फंक्शन कॉल के बाद, मान लिया एक स्टेटमेंट अगर लिखा होता प्रिंटफ यू आर गुड बॉय, ठीक यू आर गुड बॉय, अगर ये मान लिया स्टेटमेंट दिया होता तो सिंपली इसके बाद क्या हो रहा होता, सबसे पहले ये प्रिंट होता, उसके बाद आपका प्रिंट हो जाता यू आर गुड बॉय। ओके, तो ये प्रिंट हो जाता है इसके बाद। तो इस चीज़ को अपन समझ लीजिए कि ऐसे होता है फंक्शन का, जो सबसे पहले फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होना होता है, सबसे पहले जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद वो देखता है कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन करना कैसे है, क्या बेसिक प्रोसेस है उसको डिफाइन करने की, उस चीज़ को अपन देख रहे होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद फंक्शन की कॉलिंग को समझने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक यहीं पे एक एग्जांपल डालते हैं दूसरा। तो एग्जांपल में क्या कर रहे होंगे, एक सिंपली मेन फंक्शन लिखे, मेन फंक्शन लिखने के बाद क्या किए प्रिंटफ एक स्टेटमेंट लगा दिए प्रिंटफ, ठीक प्रिंटफ के अंदर लिख दिए आई एम इन मेन, ठीक समझाने की एक प्रोसेस है उससे मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम इन मेन लिखे। उसके बाद क्या किए आप एक फंक्शन बनाए और उसको कॉल कर लिए इटैली, ठीक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिए। फंक्शन को कॉल करने के बाद आप किए क्या, एक्चुअल फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए, उसके बाद कॉल कर लिए ब्राज़ील को, एक दूसरा फंक्शन बनाए और उसको यहाँ पे क्या किए कॉल कर लिए, सॉरी जस्ट गिव मी वन मिनट, ये जैसे ब्राज़ील एक नाम का फंक्शन बना लिए, ठीक ब्राज़ील ये फंक्शन बन गया। एक अगला नेक्स्ट फंक्शन बन जाएगा, मान लिया बना अर्जेंटीना, तो ये तीन आपके फंक्शन आपने बना लिए, ठीक और उसके बाद सिंपली यहाँ पे इसको मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन बंद हो गया। अब इन तीनों फंक्शन को सबसे पहले अपन को डिफाइन करना पड़ेगा, तीन फंक्शन कौन से इटली ब्राज़ील और अर्जेंटीना। अब इन तीनों फंक्शन को अलग अलग अपन डिफाइन करेंगे, तो वो कैसे डिफाइन कर रहे होंगे, एक नया पेज खोलते हैं और उस पर समझते हैं चल के कि ये तीनों फंक्शन एक्चुअल में होंगे क्या। तो ये है आपका पेज टू, इसके अंदर करेंगे यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं, सबसे पहले अपन जो इटैली फंक्शन बनाए थे उसको कॉल करते हैं। तो इटैली फंक्शन को कैसे अपन लोग कॉल करेंगे, कैसे उसको बताएंगे कि उसकी जो करना है उसको बेसिकली वो है क्या। तो यहाँ पे लिख रहे होंगे इटली, और इटली लिखने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, इटली आपका फंक्शन क्या करेगा प्रिंट करेगा बेसिकली आई एम इन इटली, आई एम इन इटली ये आपका प्रिंट कर रहा होगा इटली फंक्शन, ठीक। दूसरा जो फंक्शन अपन यूज कर रहे होंगे वो होगा ब्राज़ील, तो ब्राज़ील क्या कर रहा होगा बेसिकली वो भी सिंपली ऐसे ही प्रिंटफ कर रहा होगा आई एम इन ब्राज़ील, ठीक आई एम इन ब्राज़ील। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया हमारा। अब तीसरा हमने लिखा है ऐसे अर्जेंटीना नाम से, तो उसको भी डिफाइन कर ले रहे होंगे कि वो अर्जेंटीना जो आपका फंक्शन बनाए हैं वो क्या कर रहा होगा, तो वो भी सिंपली क्या कर रहा होगा प्रिंट कर रहा होगा आई एम इन अर्जेंटीना। तो ये तीन फंक्शन अपन ने बनाए थे बेसिक, तो इनको किया क्या अपन ने, सिंपली इनको डिफाइन किया है, और इनको कॉल कैसे किया था अपन ने, मेन फंक्शन के अंदर गए थे, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले अपन ने किया था प्रिंटफ, ठीक सॉरी सबसे पहले अपन ने किया था प्रिंटफ आई एम इन मेन, ठीक आई एम इन मेन ये किया था सबसे पहले अपन ने। उसके बाद क्या किया था ये, सॉरी यहाँ पे आई एम इन मेन, सॉरी ये ऐसे होगा। उसके बाद दूसरा किया था अपन ने कि सबसे पहले इटली फंक्शन को कॉल किया था इटली, इटली के बाद क्या क्या कॉल किया था अपन ने ब्राज़ील, ब्राज़ील लिखे ब्राज़ील को कॉल किया था, उसके बाद अर्जेंटीना।
तो ये तीन फंक्शन अपन ने कॉल किए थे, ठीक। तो इन तीनों फंक्शंस को कॉल करने के बाद किया क्या था कि जब ये तीनों फंक्शन अपन ने कॉल किए तो इनका मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का शुरू होगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, आउटपुट में प्रिंट कर देगा आपका, मान लिया इधर देखते हैं और यहाँ पे करेंगे ये कि सबसे पहले मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो एग्जीक्यूशन शुरू होगा वो ऐसे शुरू हो रहा होगा, सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आउटपुट में लिखेंगे आई एम इन मेन, सबसे पहले ये प्रिंट हो रहा होगा। उसके बाद उसने क्या किया, कॉल किया इटली फंक्शन को, इटली वाला जो फंक्शन डिफाइन किए हैं उसको उसने कॉल किया। तो वो क्या प्रिंट कर रहा है एक्चुअली, वो उसके बाद प्रिंट हो जाएगा आई एम इन इटली, ठीक, ये कॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या कर रहे होंगे, ब्राज़ील फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ब्राज़ील फंक्शन कैसे होगा, आई एम इन ब्राज़ील, ये कॉल हो गया। इतना करने के बाद अपन क्या किए, यहाँ पे जैसे ही ब्राज़ील लिखे और उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा होगा अर्जेंटीना फंक्शन को कॉल किए हैं, तो सिंपली क्या प्रिंट कर रहा होगा, आई एम इन अर्जेंटीना, ये फंक्शन कॉल हो गया। तो ये तीनों फंक्शन का एग्जीक्यूशन और आउटपुट ऐसे आ रहा होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इटली वाला फंक्शन कॉल की करेंगे, फिर ब्राज़ील वाला, फिर अर्जेंटीना। तो ऐसे करके हम अपन ये इन वाले फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे। तो ये चीज़ अपन समझ लीजिए लिए कि ऐसे प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन शुरू होता है एक्चुअल में, ठीक। अब आते हैं पेज थ्री पे। पेज थ्री के अंदर समझना क्या है, सिंपली इसमें करना ये है कि अपन अब समझ रहे होंगे कि इनके कुछ कंक्लूजन्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन है वो कैसे हो रहा होगा, इस चीज़ को अपन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो कुछ पॉइंट हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, एनी सी प्रोग्राम कंटेंस एटलीस्ट वन फंक्शन, कंटेंस एट लीस्ट वन फंक्शन, ठीक। तो एक फंक्शन, एक हर एक सी प्रोग्राम एक सी फंक्शन को तो एटलीस्ट रखता है, वो सी फंक्शन कौन सा होता है, आपका मेन फंक्शन वो एक्चुअल में हो रहा होता है, ठीक। तो इस चीज़ को अपन समझ लीजिए लिए कि एक सी प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट वन फंक्शन होता ही होता है, और अगर एक सी प्रोग्राम एटलीस्ट वन फंक्शन को रख रहा है तो वो फंक्शन कौन सा होगा एक्चुअल में, वो आपका मेन फंक्शन हो रहा होता है, ठीक। नेक्स्ट चीज जो समझते हैं वो ये है कि अगर एक सी प्रोग्राम आपका सिर्फ एक से ज़्यादा फंक्शन रख रहा है तो उसके लिए फंक्शन में क्या होना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, मेन फंक्शन के अंदर से। अगर इसके अंदर इसको ऐसे लिखेंगे, इफ़ ए प्रोग्राम contains more than one function, program contains more than one function, ठीक। एक से ज़्यादा अगर functions रख रहा है कोई सी program तो उसमें होगा क्या, execution कहाँ से actual में शुरू होगा, execution आपका main function से ही हर बार शुरू हो रहा होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो program execution begins from main function, program execution execution begins from main function, okay, begins from main function। ये चीज़ अपन समझ लिए कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, वो एक्चुअली हर बार मेन फंक्शन से ही शुरू हो रहा होता है, ये चीज़ अपन समझ लिए। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि आप इसमें चाहें तो फंक्शंस के अंदर क्या है, जितने भी फंक्शंस आप चाहें उतने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। तो नंबर ऑफ फंक्शंस आपको कितने डिफाइन करने हैं इसकी कोई लिमिट सी लैंग्वेज के अंदर नहीं हो रही होती है, ठीक। आप जितने चाहें उतने फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है कि जो प्रोग्राम का सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा, कि मेन फंक्शन आ रहा होगा सबसे पहले, वो उसके बाद आपका, आपके जो फंक्शंस आपने डिफाइन किए हैं वो आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी फंक्शन कॉल्स आपको करनी है, फंक्शन को कॉल करना है जितनों को, वो सारे किसके अंदर कॉल हो रहे होंगे, एक्चुअली मेन फंक्शन के अंदर कॉल हो रहे होते हैं। तो इसको बोलेंगे, फंक्शन इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन कॉल्स इन मेन, ठीक।
ठीक। तो फंक्शन कॉलिंग एक्चुअली कहाँ पे हो रही होती है, एवरी फंक्शन कॉल हैपेंस इन मेन फंक्शन, ठीक, हैपेंस इन मेन फंक्शन। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि एवरी फंक्शन कॉल हमारी कहाँ पे हैपन हो रही होती है, वो एक्चुअल में आपके मेन फंक्शन के अंदर हो रही होती है, ठीक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समझना है अपन को, वो ये है कि जब एक फंक्शन आपका अपना काम कर चुका होता है, जैसे अपन लोग पिछले वाले में देखे थे कि इसको एक बार दोबारा लगा लेते हैं 45 वाला और समझने की कोशिश करते हैं, सॉरी ये वाला। तो इसमें देखो जब इटली वाले फंक्शन का काम ख़त्म हो जा रहा था तो वो एक्चुअल में लौट कहाँ पे आ रहा था, मेन फंक्शन के ही अंदर लौट आ रहा था। हर बार जब उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता जा रहा था उसके बाद वो अपने फंक्शन पे वापस आ जा रहा था। तो इसी चीज़ को भी लिख लेंगे कि जब एक फंक्शन अपना काम कर चुका होता है तो वो डायरेक्टली कहाँ पर वापस आता है, वो डायरेक्टली आपका मेन फंक्शन के अंदर आ रहा होता है। तो एवरी फंक्शन एक्सेप्ट मेन फंक्शन रिटर्न्स टू मेन आफ्टर इट्स वर्क डन। अपना काम करने के बाद, मतलब अपना प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो करने के बाद, जो प्रत्येक फंक्शन है वो पुनः अपने फंक्शन में वापस आ जा रहा होता है। इट अगेन रिटर्न्स टू योर मेन फंक्शन, एक्चुअली दैट्स द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो ये अपन ने समझ लिया कि ऐसे आपके प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस थी, इटली, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, एक और चीज़ अपन समझ लेते हैं कि नेक्स्ट पेज लगा लेते हैं, उसमें समझने की चलते हैं, कोशिश करते हैं चल के पेज नंबर 4, ठीक। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली हम ये समझ रहे होंगे, तो ये जैसे अपन ने जो चीज़ें समझी है इसके बाद देखते हैं आके कुछ चीज़ें जो छूटी हैं हमारी उनको कैसे समझना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये देखते हैं कि जो हमने समझा है उसका मेन टॉपिक क्या है। हमने देखा कि मेन फंक्शन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, उसके बाद अगर कोई फंक्शन अपन कॉल करते हैं, जैसे अपन ने अभी अर्जेंटीना फंक्शन बनाया था उसको कॉल किए, तो अर्जेंटीना फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा था, बेसिकली जो प्रोसेस है कि आई एम इन अर्जेंटीना प्रिंट करने के बाद वापस कहाँ पे आ रहा था, मेन फंक्शन के ही अंदर वापस आ जा रहा था। तो ये हमारा होता है फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि फंक्शन को कैसे यूज करना होता है, ठीक। अब एक चीज़ और इसमें है जो बेसिक थिंग है वो ये है कि एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन, ठीक। एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे करेंगे जैसे आपने अर्जेंटीना फंक्शन बनाया था, इसको ऐसे समझते हैं, आपका ये मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के आपने अंदर दो फंक्शंस बनाए थे, एक मान लिया अर्जेंटीना था, दूसरा था आपका इटली, दो फंक्शन आपने बनाए थे यहाँ पे। तो दोनों फंक्शन में से आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जब इनका एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो जब यहाँ पे अर्जेंटीना लिखेंगे, अर्जेंटीना फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि वो क्या कर रहा है, तो अर्जेंटीना के अंदर अगर आप चाहें तो आप अर्जेंटीना के अंदर भी इटली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब इटली फंक्शन को अगर आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो इटली फंक्शन को भी अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, मान लिया इधर अपन डिफाइन कर लेते हैं तो इटली फंक्शन को भी आप डिफाइन करेंगे, आप चाहें तो इटली फंक्शन के अंदर भी अर्जेंटीना फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आप एक दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, ठीक। ये इसका बेसिक प्रोसेस होता है, तो ये चीज़ अपन समझ लिए। अब उसके बाद इसके साथ में अगर आप चाहें तो इसके अंदर मेन फंक्शन को भी आप दोबारा चाहें तो कॉल कर सकते हैं, अगर आपको इसकी नीड पड़ रही है तो। तो ये चीज़ अपन ने समझ ली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन को समझना है वो ये है बेसिक कि देखो
ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप जितने चाहें उतने फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, जितने चाहें उतने फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ फंक्शन सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज मैंने बताई। नेक्स्ट चीज क्या है, उन्हीं एन नंबर ऑफ फंक्शंस को आप एन नंबर ऑफ टाइम्स कॉल भी कर सकते हैं, ठीक। एन नंबर ऑफ टाइम्स आप उन्हीं फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कॉल करना है तो, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि अब इसमें ऑर्डर जो फंक्शंस का है ये जरूरी नहीं है कि जैसे सबसे पहले आप अर्जेंटीना को कॉल यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक, या उसको कॉल कर लिए अपनी नीड के हिसाब से आप फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं, उसके बाद इटली को कॉल कर दिए और इसको मान लिया दो फंक्शंस आपके मेन के अंदर थे तो, लेकिन अगर आपने इसके बाद जब इनको कराना था डिफाइन तो डिफाइन कैसे कराया है, डिफाइन आपने कराया है जैसे सबसे पहले आपने इटली करा लो तो भी सही है, अगर अर्जेंटीना कराएंगे तो वो भी आपका जो है वो सही हो रहा होगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ जो डिफाइनिंग है फंक्शन वो कभी भी आपका एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं कर रहा होता है, आप जैसे चाहें वैसे फंक्शन को जिस ऑर्डर में चाहें उस ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपन समझ लिए। अब अगर एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है कैसे, जैसे यहाँ पे इटली जो फंक्शन है इसको डिफाइन किए हैं अपन यहाँ पे, तो इटली क्या करे, अब यहीं पे सबसे पहले मान लिया कुछ प्रिंट कर दे आई एम इन इटली, और उसके बाद क्या कर दे आई एम इन इटली प्रिंट करने के बाद कुछ नहीं, सिंपली वो एक बार और करे इटली को ही कॉल कर दे। तो ये आपका क्या है, जब एक फंक्शन अपने आप को ही डिफाइन करने लगता है तो वो क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, वो एक्चुअल में आपका रिकर्सन होता है। अब रिकर्सन के बारे में जो बाकी चीज़ें हैं वो आने वाले वीडियोज़ में अपन पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लिए हैं कि एक फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल कर रहा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिकर्सन कहलाता है, ठीक। इस चीज को समझ लिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपन ने ये समझा, अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपके जो फंक्शंस हैं उनका अपन यूज कहाँ पे कर रहे होते हैं। तो यार फंक्शंस का मैंने बताया कि जब आपको कई किसी एक प्रोसेस को मल्टीपल टाइम करना होता है, ठीक, तो हर बार आप उस प्रोसेस को कहाँ तक उसके जो सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हैं उनको आप लिखेंगे, तो उससे अच्छा है कि एक बार अपन डिफाइन कर लेते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स जितने बार अपन को यूज करना होता है हम यूज़ कर लेते हैं। इस चीज़ को अपन देख लिए कि फंक्शंस का यूज अपन को ऐसे करना होता है, ठीक। अब एक चीज़ और है कि आप इसके अंदर क्या करते हैं, सेम कोड को आप बार बार लिखना नहीं चाह रहे होते हैं, ठीक, इस चीज़ को समझ लिए हैं। तो आज अपने इतना देख लिया है कि जो ओवरव्यू था फंक्शंस को लेके वो समझ लिए कि फंक्शन होते क्या हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन ने इस वीडियो के अंदर देख ली हैं। अब आने वाले जो नेक्स्ट कल का वीडियो हो रहा होगा या फिर जो वीडियो मंडे को आ रहा होगा उसमें अपन क्या समझ रहे होंगे, अपन समझ रहे होंगे पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शन, ओके, पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शंस, ये चीज अपन समझ रहे होंगे कि फंक्शंस में वैल्यूज को कैसे पास किया जाता है, इस चीज को अपन उसके अंदर समझेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे ये वाला टॉपिक और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो समझ रहेंगे। गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप एंड आस्क योर प्रॉब्लम्स देयर, इफ़ यू वांट टू विजिट अस ऑन सोशल मीडिया यू कैन ज्वाइन अवर इंस्टाग्राम हैंडल c_language_programming, देयर यू कैन ऑल्सो आस्क योर प्रॉब्लम्स टू मी, ओके गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो we'll see some good and interesting topics. For till now, thank you guys, hope you are enjoying this class, have a nice day, bye bye.